वेलकम अगेन, वेलकम टू लाइफ साइड विजिट अगेन। मैं रवि विशिष्ट एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब लाइफ साइड विजिट। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लेके आया हूँ अगेन ओमैक्स न्यू चंडीगढ़ की प्राइम लोकेशन के ऊपर। जी हाँ, आप देख सकते हैं प्रॉपरली कॉन्क्रीट के रोड्स हैं, यहाँ पे प्रॉपरली ग्रीनरी मेंटेन की जाती है ओमैक्स की तरफ से। हॉर्टिकल्चर का काम बहुत ही अच्छा किया गया है ओमैक्स की तरफ से और प्रॉपर मेंटेन रहता है। और आज 4000 प्लस फैमिलीज यहाँ इस एरिया के अंदर स्टे कर रही हैं। तो आइए, आज हम आपको शो करने वाले हैं ओमैक्स सेलेस्टिया रॉयल 2000 स्क्वायर फीट के करीब का फ्लैट, जो कि ग्राउंड फ्लोर पे पार्किंग रहेगी। अपर ग्राउंड फ्लोर रहेगा, फर्स्ट रहेगा, देन सेकंड फ्लोर रहेगा, और ये तीनों फ्लोर विद लिफ्ट रहेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, विजिट करते हैं ओमैक्स सेलेस्टिया रॉयल अप्रोक्सीमेट 2000 स्क्वायर फीट का फ्लैट। तो फ्रेंड्स, जैसे अभी हमने आपको ये पार्किंग शो की, सबसे पहले मैं आपको शो करना चाहूँगा ये लिफ्ट एरिया के, यहाँ पे लिफ्ट इंस्टॉल की जानी है। स्टेयरकेस आप देख सकते हैं, काफ़ी वाइड है स्टेयरकेस। फ्रेंड्स, फिनिशिंग वर्क ऑनगोइंग है, फिनिशिंग वर्क चल रहा है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं, जैसे ही हमने आए ऊपर एंटर किया, सबसे पहले स्टेयरकेस आपको शो करना चाहूँगा, काफ़ी वाइड है। देन उसके बाद एक फ्लोर पे दो फ्लैट्स हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में, और ये कॉमन स्टोरेज दी गई है। उसके साथ में जैसे मैंने लिफ्ट का एरिया नीचे शो किया था, ये लिफ्ट का एरिया आ जाएगा, लिफ्ट इंस्टॉल की जाएगी। और जो अभी हम फ्लोर देखने वाले हैं, ये 2000 स्क्वायर फीट के करीब का एरिया है, जिसके अंदर 3 बेडरूम 3 वॉशरूम प्लस अटैच सर्वेंट रूम के साथ है। आपको बाहर से बाहर सर्वेंट रूम की एंट्री दी गई है, अप्रोक्सीमेट 5.5x7 के करीब का सर्वेंट रूम विद अटैच वॉशरूम रहने वाला है ये। तो फ्रेंड, जैसे हम इस फ्लोर के अंदर एंटर होते हैं, आप देख सकते हैं ह्यूज एरिया है, ड्राइंग एरिया सामने, ये UPVC सेक्शन डोर के साथ फ्रंट बालकनी आ जाती है, जिसका साइज बहुत वाइड है। इस बालकनी के अंदर एंटीस्किड टाइलिंग का यूज़ किया गया है, और रेलिंग आप देख सकते हैं, स्टील रेलिंग काफ़ी अच्छी यूज़ की गई है। अगर विड्थ की बात करें तो काफ़ी अच्छी विड्थ है, अप्रोक्सीमेट 8 फीट के करीब इसकी विड्थ रहने वाली है। और सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट होता है वो है AC की डक्टिंग पाइपिंग आपको ऑलरेडी फ्लोर के अंदर करके दी जा रही है, जस्ट आपने अपने AC लेके आके इंस्टॉल करनी है। तो आइए चलते हैं फ्लोर की ओर। तो फ्रेंड्स, ड्राइंग एरिया के साथ अभी हमने फ्रंट बालकनी देखी, और ड्राइंग एरिया के साथ में ही कॉमन वॉशरूम दिया जा रहा है, जो कि कॉमन प्लस अटैच रहने वाला है हमारे फर्स्ट बेडरूम के साथ। सारी सैनिटरी फिटिंग टॉप ब्रांड्स की यूज की गई हैं, वॉल टू वॉल टाइल वर्क किया गया है। तो फ्रेंड्स, इस कॉमन वॉशरूम के बाद चलते हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम की ओर। जी हाँ, आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेसियस बेडरूम है ये, जिसके अंदर अगेन फ्रंट बालकनी से अटैचमेंट दी गई है, AC की डक्टिंग पाइपिंग करके दी जा रही है। इसमें आप देख सकते हैं फ्लोरिंग सारी बेस्ट क्वालिटी की यूज़ की गई है, प्लस रूम साइज काफ़ी अच्छा दिया गया है, इसको आप गेस्ट रूम भी कह सकते हैं, बिकॉज कॉमन प्लस अटैच वॉशरूम के साथ दिया गया है ये। तो फ्रेंड्स, आगे देखते हुए चलते हैं। आप देख सकते हैं, जैसे ड्राइंग एरिया मैंने आपको शो किया, ये एल शेप के अंदर डाइनिंग एरिया प्रॉपरली दिया जा रहा है आपको, जिसकी वजह से ये फ्लोर काफ़ी ज़्यादा स्पेसियस हो जाता है। बिकॉज ये डाइनिंग एरिया दिया गया है, तो बिल्कुल सेंटर में हमारी ये किचन आ जाएगी, जो कि मॉडुलर किचन आप कह सकते हैं, बिकॉज कैबिनेट्स आपको सारे इंस्टॉल करके दिए जा रहे हैं बेस्ट क्वालिटी के साथ। तो फ्रेंड्स, ये मॉडुलर किचन आपको साथ में दी जा रही है। देन इसके बाद चलते हैं हमारे सेकंड बेडरूम की ओर। आप देख सकते हैं अगेन एक स्पेशियस बेडरूम है, अप्रोक्सीमेट 11.5x16 के करीब का इसका साइज रहने वाला है, प्लस अटैच वॉशरूम के साथ दिया जा रहा है। वॉशरूम की फिटिंग्स आप अगेन देख सकते हैं, टॉप ब्रांड्स
एंड वेंटिलेशन का प्रॉपर ध्यान रखा गया है। इस बेडरूम में बताना चाहूँ एसी की डक्टिंग पाइपिंग आपको करके दी जा रही है। तो आइए फ्रेंड्स चलते हैं हमारे मास्टर बेडरूम की ओर। फ्रेंड्स ये रहा हमारा मास्टर बेडरूम जिसके अंदर सबसे प्यारी बात है आपको वुडन फ्लोरिंग दी जा रही है। देन आपको यहाँ पे पूरा कवर्ड बना के दिया है, अलमीरा बना के दी जा रही है। आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के स्पेशियस अलमीरा रहने वाली है। तो फ्रेंड्स इस बेडरूम के साथ भी अटैच वॉशरूम दिया जा रहा है आपको। वेंटिलेशन का ध्यान हर एक वॉशरूम के अंदर रखा गया है। तो फ्रेंड्स अभी तक हम देख चुके हैं हमारे ड्राइंग डाइनिंग एरिया, फ्रंट बालकनी, हमारे थ्री बेडरूम्स विद अटैच वॉशरूम। देन अभी हम आपको लेके चलते हैं यहाँ के बैक यार्ड के अंदर, बैक बालकनी के अंदर। बिकॉज जैसे आपको पहले ही बताया ये स्टिल्ट प्लस थ्री फ्लोर्स बने हुए हैं मैक्स सेलेस्टिया रॉयल के नाम से। तो अब ये अपर ग्राउंड की बालकनी है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस एरिया, बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस एरिया। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अपर ग्राउंड की बैक बालकनी काफ़ी ज़्यादा वाइड दी गई है। अप्रोक्सीमेट 14x15 के करीब का ये एरिया रहने वाला है जो कि बहुत स्पेसिस आप मेरे साथ देख सकते हैं। ऐसे ही अगर फर्स्ट और सेकंड फ्लोर की बालकनी की बात करते हैं अप्रोक्सीमेट 6 फीट की बालकनी आ जाती है। और टॉप फ्लोर के साथ अगर आप टॉप फ्लोर की बात करें तो 60% के करीब के रूफ राइट भी मिलते हैं इन फ्लोर्स के साथ। तो अगर आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं चंडीगढ़ के आसपास तो बेस्ट प्रॉपर्टी मैं कहूँगा आज की डेट में। बिकॉज एक तो नियर टू पोजेशन या रेडी टू पोजेशन आपको फ्लोर्स मिल जाएंगे इस कैटेगरी के अंदर। इन फ्लोर कैटेगरीज के अंदर बात करें तो हम अपने को 4 से 5 साइजेस मिल जाएंगे अप्रोक्सीमेट 1596 स्क्वायर फीट से लेकर 2450 स्क्वायर फीट तक के। तो फ्रेंड्स अगर आप ऐसी ही ड्रीम प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं चंडीगढ़ के सराउंडिंग, तो एक बार कॉन्टैक्ट जरूर करें 9877777860। मैं हमेशा की तरह आपको बेस्ट से बेस्ट सर्विस प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।